कराची में सड़कों पर हजारों लोग और इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हाथों में पोस्टर लिए ये लोग सिंधी हिंदू बेटी के इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। देर रात हंगामा शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। मेडिकल की छात्रा नम्रता की लाश उसके हॉस्टल में संदिग्ध हालात में मिली थी। उसके गले में रस्सी बंधी थी। नम्रता के भाई ने हत्या का आरोप लगाया था। नम्रता चांदनी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि छात्रा ने खुदकुशी की हो, लेकिन उसके परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। इस हत्या के विरोध में कराची में देर रात बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले को लेकर सिंधी समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। छात्रा नम्रता का संबंध घोटकी जिले के मीरपुर मथैलो शहर के एक बड़े व्यापारिक घराने से है। नम्रता की परीक्षा चल रही थी और एक दिन पहले ही उन्होंने पेपर की परीक्षा दी थी। नम्रता के भाई डॉक्टर विशाल ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी बहन की हत्या की गई है। घटना से दो घंटे पहले नम्रता ने कॉलेज में मिठाई बांटी थी। ऐसा भला क्या हो सकता है कि महज दो घंटे बाद वह खुदकुशी कर ले।